क्लियर आ रही है सभी को यस मैम यस मैम है एंड वाइजली क्लियर है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर मान लो मैं क्लास से लेफ्ट हो जाऊं क्योंकि नेटवर्क इशू है तो आप मुझे आ, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे ठीक है आप दोनों तो में से कोई भी थी. ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास थोड़ा ही रह गया है हमारा सिलेबस में भी इस वीक कंप्लीट हो जाए। वीकर्म रह गए हैं मैम। हाँ तो हमने देखो हमने षटकर्म आज हमें पढ़ना है षटकर्म तो आज ये पूरा हम लोग कर लेंगे इसमें हमने वमन धोती वस्त्र धोती दंड धोती लघुपूर्ण प्रक्षालन पढ़ना है सूत्र और जल नीति हम लोग पढ़ेंगे कपाल भाती के जो प्रकार है वात कर्म, व्यूत कर्म और शीत कर्म को पढ़ेंगे अग्निशार नौली और त्राटक के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है तो आज हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा हो जाएगा हमने सूर्य नमस्कार आसन के बारे में देख लिया है प्राणायाम हमने पढ़ लिया है बंद और मुद्राएं हमने पढ़ ली है तो अब हमारे दो टॉपिक बचेंगे इसके बाद प्रैक्टिस टू मेडिटेशन और कंटेम्प्रेरी योगिक प्रैक्टिस ठीक है ये दो टॉपिक ही हमारे रहेंगे और एक दिन हम लोग रखेंगे अपना क्वेश्चन आंसर सेशन का ठीक है तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं आज हमें पढ़ना है षठ कर्म के बारे में ठीक है तो जिसमें सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है वमन धोती ठीक है वमन धोती की क्या विशेषता है इसमें हमें जल वमन करना होता है जल वमन करने की क्रिया है जल वमन मतलब गिलास नमकीन जल हमें लेना है ठीक है क्योंकि जो नमकीन जल होता है ये हमारे जो श्लेष्मा होता है कफ को घुलनशील बनाता है जिससे क्या होता है कि कफ हमारा अगर घुल घुलनशील हो रहा है तो उससे वो बाहर निकल जाता है आसानी से ठीक है और शीघ्रता से जल पीना है जब तक कि वमन की इच्छा ना हो जाए कि मतलब आपको बहुत जल्दी जल्दी जल पीना है ऐसा नहीं है कि आपने एक गिलास पिया फिर आपने थोड़ा दो मिनट का ब्रेक लिया या पांच मिनट का ब्रेक लिया नहीं आपने जैसे एक गिलास पिया मतलब जितना आप पी सकते हो जल्दी जल्दी उतना पीना है और नमकीन जल पीना है ठीक है फिर आपको वमन की इच्छा होगी फिर आपको वमन कर लेना है ठीक है ये है वमन धोती की विशेषता और इसके लाभ क्या क्या है अधिक मात्रा में खाए हुए भोजन या सड़े हुए भोजन से आंतों का बचाव मतलब अगर किसी ने बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन कर लिया है या कुछ भोजन अंदर रह गया है कुछ जो सड़ चुका है अंदर ही तो उस भोजन को यह बाहर निकाल देता है जिससे क्या होता है हमारी आंतें बच जाती है क्योंकि अगर हमारा खराब भोजन अंदर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारी आंतों के लिए हानिकारक होगा और उसके लिए नुकसानदेह होगा ठीक है तो इसका क्या फायदा है कि ये उस सारी चीजों को बाहर निकाल देता है ठीक वमन तो हमने पढ़ा इसमें हमने विशेषता पढ़ी कि जल वमन करने की क्रिया है कम से कम छह गिलास नमकीन जल आपको लेना है ये हमारे श्लेष्मा को घुलनशील बनाता है और जल को शीघ्रता से पीना है जब तक के वमन की इच्छा ना हो मतलब उल्टी की इच्छा ना हो आपको ठीक है लाभ है इसका कि अगर आपने अधिक मात्रा में भोजन कर लिया है उसको बाहर निकालेगा या बहुत दिनों से अंदर भोजन जो पच नहीं रहा है लेकिन वो सड़ चुका है उसको भी बाहर निकालेगा जिससे आपके आंतों की सफाई हो जाएगी और बचाव हो जाएगा ठीक है तो ये है हमारी वमन धोती अगली आती है हमारी वसन धोती हमारी साधारण भाषा में बोला जाता है वस्त्र धोती ठीक है, है।, है? विशेषता क्या है इसकी कि प्रारंभ में वस्त्र की माप ढाई सेंटीमीटर चौड़ा आपको वस्त्र लेना है शुरू में जब आप शुरुआत करोगे वस्त्र धोती को करने की ठीक है और तीन मीटर लंबा लेना है शुरू में यह आपको बता दिया गया है शुरू में ढाई सेंटीमीटर चौड़ा और तीन मीटर लंबा वस्त्र लेना है ठीक है फिर जब आप इसमें निपुण होते जाओगे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी फिर क्या करना है आपको पांच या छह सेंटीमीटर चौड़ा और साढ़े छह मीटर लंबा वस्त्र लेना है ठीक ये आपको इसका माप बता दिया गया है फिर किस प्रकार से करना है उकड़ू बैठकर वस्त्र निगलना है उकड़ू इस प्रकार से जैसे ये यह यहाँ पे आ, महिला बैठी है इस प्रकार से आपको बैठना है उकड़ू बोलते हैं इसको कि उकड़ू बैठना ठीक है ऐसी ही स्थिति में आपको वस्त्र धोती का अभ्यास करने को कहा गया है ठीक है इसके लाभ क्या क्या है पहला लाभ है हमारा हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है जो हमारा तंत्र का तंत्र है उसको सुदृढ़ करता है ठीक है और दूसरा क्या है कफ रोगों का नाश करता है कफ रोग जितने भी हमारे होते हैं प्रकार के हमने पढ़े हैं आयुर्वेद में ठीक है तो उन सभी रोगों का नाश करता है क्योंकि अपने साथ जो हमारा जो कफ होता है उसको बाहर निकाल देता है जब हम वस्त्र धोती की क्रिया को करते हैं ठीक है ये हमारी वस्त्र धोती हो गई अगली है हमारी इसी में दंड धोती इसकी जो हमारी क्रिया है ये वैसी ही है जैसी हमने घेरंड संहिता में आप लोगों ने पढ़ी होगी ठीक है इसमें क्या बोला है केले का तना रंभा दंडम और हल्दी का तना और बेंत के तने का उपयोग करना है केले का तना सबको पता है हल्दी का बेंत होता है जो कच्चा बांस जिसको हम लोग कह सकते हैं कच्चे बांस का तने का उपयोग करना है इसमें ठीक है ये आपने घेरण संहिता में भी पढ़ा होगा लाभ भी वही है जो उसमें दिए गए हैं कफ का पित्त का और कलेद का मुख से बाहर को निकल जाता है इससे जब दंड धोती का अभ्यास करते हैं तो जो हमारा कफ पित्त और कलेद होता है वो मुख के द्वार से बाहर निकल जाता है ठीक है जितना भी अंदर हमारे जमा हुआ ये सारी चीजें होती है और हृदय रोग का इससे नाश होता है हृदय से संबंधित किसी को कोई को को समस्या है कोई बीमारी है ठीक है तो उसका दंड धोती से निवारण हो जाता है ठीक है वस्त्र धोती पड़ी इसमें प्रारंभ में बोला गया है ढाई सेंटीमीटर चौड़ा और तीन मीटर लंबा कपड़ा और उसके बाद बोला है पांच छह सेंटीमीटर चौड़ा और साढ़े छह मीटर लंबा लेना है उकड़ू बैठकर आपको निकलना है हमारा नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है कफ रोगों का नाश करता है ठीक है दंड धोती बिल्कुल घेरंड संहिता जैसी है केले का तना, हल्दी का तना या बेत का तना हमें लेना है दंड धोती को करने के लिए ठीक है बाकी आपने पूरी इसकी जो क्रियाविधि है वो आपने पढ़ी ही होगी वहां पे घेरंड संहिता में तो वो मैं नहीं बताऊंगी ठीक है वो आपने पढ़ ली है पहले से लाभ क्या है कफ पित्त और क्लेद का मुख से बाहर निकल जाता है इससे और हृदय रोग का नाश होता है ठीक है अगला है इसमें हमारा शंख प्रक्षालन एक बार बता दीजिए आवाज क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है यस मैम यस मैम ठीक है शंख प्रक्षालन तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि शंख प्रक्षालन की क्या विशेषताएं हैं अभ्यास की पूर्व संध्या हमें हल्का और अर्ध तरल भोजन लेना चाहिए मतलब अगर आप अगले आ, कल अभ्यास करने वाले हैं तो आपको इससे पहले शाम को थोड़ा हल्का भोजन लेना है ठीक है और अर्ध तरल अर्ध तरल का क्या मतलब हुआ आधा लिक्विड होना चाहिए हल्का भोजन लेना है अर्ध तरल लेना है ठीक है अभ्यास के पूर्व कोई आसन या शारीरिक श्रम आपको नहीं करना है ठीक है जिस दिन आप शंख प्रक्षालन का अभ्यास करोगे उससे पहले आपको कोई ना आसन करना है ना कोई शारीरिक श्रम करना है जिससे आपके शरीर में थकान उत्पन्न हो जाए ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है ठीक है और अभ्यास के 45 मिनट के पश्चात जब अभ्यास आप कर लोगे आपका शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो उसके 45 मिनट के पश्चात मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना है घी के साथ ठीक है उसके 45 मिनट बाद दो गिलास नमकीन गुनगुना पानी पीकर गत्यात्मक रूप से पांचों आसनों का क्रम से आठ बार अभ्यास करना है ठीक है कि दो गिलास आपको नमकीन गुनगुना पानी पीना है नमकीन होना चाहिए लेकिन गुनगुना पीना है ठीक है और इसके जो हमारे पांच आसन होते हैं शंख प्रक्षालन के वो अगले स्लाइड में है वो भी मैं बताऊंगी उनका अभ्यास करना है आठ बार क्रम से अभ्यास करना है पहला पहले ही करना है दूसरा दूसरे नंबर मतलब जो उनकी एक है उसी में करना है और गत्यात्मक रूप से मतलब उसको जल्दी जल्दी करना है होल्डिंग के साथ नहीं करना है फास्ट फास्ट करना है ठीक है और जब तक आंत पूरी तरह से खाली ना हो जाए तब तक अगले चक्र से पूर्व दो गिलास पानी का सेवन करते रहें। मतलब जब तक आपकी आंख पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती आपका पेट पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता तब तक आपको ये चक्र करते रहना है और हर चक्र से पहले आपको दो गिलास पानी पी लेना है ठीक है और आंतरिक सफाई के दस मिनट के बाद आपको कुंजल और जल नीति करना है जब आपकी अंदर की सफाई पूरी हो जाएगी तो आपको थोड़ा विश्राम करके 10 मिनट का ब्रेक लेकर कुंजल करना है और फिर जल नीति का अभ्यास करना है ठीक है और ऋतु परिवर्तन के समय इसका अभ्यास सर्वोत्तम होता है जिस समय ऋतु परिवर्तन होता है ना जैसे आजकल का समय आप ले सकते हो थोड़ा पहले का जब आपकी ऋतुएं बदलती है उस समय इसका अभ्यास बहुत अच्छा माना जाता है और वर्ष में केवल आपको दो बार ही बोला गया है उससे अधिक आपको नहीं करना है ठीक है सीमा क्या है बहुत अधिक गर्मी या सर्दी होने पर इसका अभ्यास नहीं करना है अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो भी इसका अभ्यास बताया गया है लाभ क्या-क्या है इसके शंक प्रक्षालन के आंत की हमारी पूरी सफाई हो जाती है और हमारा पाचन तंत्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है हमारा जो ब्लड है वो साफ हो जाता है मधुमेह में डायबिटीज में मोटापा में obesidad में ब्लड कोलेस्ट्रॉल में एलर्जी में गठिया यानी अर्थराइटिस में दमा में सर्दी खांसी में साइनोसाइटिस में चर्म रोग यानी जो चमड़ी से संबंधित जो भी जिस भी प्रकार के रोग होते हैं मुहासे मुहासे कई बार दाने निकल आते हैं हमारे चेहरे पर उन सारी इन सारी चीजों में हमारे शंख प्रक्षालन से लाभ हो होता है और हाई लिपिड के योगा प्रचार के रूप में भी इसको लिया जाता है अगर किसी का हाई लिपिड हो जाता है तो उसको भी शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया करवाई जाती है ठीक है अब इसके एक बार आसन हम लोग देख लेते हैं आसन कौन से कौन से है आपको याद रखना है और इसका सीक्वेंस याद रखना है ये पूछा जाता है ठीक है पहला है हमारा ताड़ासन ताड़ासन इस प्रकार से किया जाता है जो आगे आपके पिक्चर लगी है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है हमारे अमाश्य पे यानी हमारे स्टमक पे और वृहदांत्र पे यानी कोलोन जिसको बोलते हैं कोलोन पे और स्टमक पे इसका प्रभाव पड़ता है ताड़ासन का। दूसरा आसन हमारा इसमें है तीर्यक ताड़ासन इस प्रकार से तीर्यक ताड़ासन को किया जाता है प्रभाव है छोटी आंत और वृहदांत पर यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टेन और कोलोन पर, गौत पर, पर तीरियक तीरियक इसका प्रभाव पड़ता है तीसरा है इसी सीरीज में हमारा कटी चक्रासन कटी चक्रासन को आप इस प्रकार से करोगे ठीक है इसका प्रभाव हमारी छोटी आंत यानी होता है ठीक है फिर अगला है हमारा इसी में तीरक भुजंगासन इस प्रकार से तीर्यक भुजंग आसन को किया जाता है इसका प्रभाव आंत के गहर यानी इंटेस्टाइनल कैविटी वृहदांत्र यानी कोलोन और मलाशय यानी रेक्टम पर आता है मतलब जगह जब हम तीरक भुजंग आसन करते हैं तो हमारा इंटेस्टाइनल कैविटी कोलोन और रेक्टम को मतलब वो दब जाता है उससे ठीक है उस पर दबाव पड़ता है फिर अगला है हमारा पांचवा उदराकर्षण उदराकर्षण को इस प्रकार किया जाता है इसका इसका प्रभाव भी इसी पर इंटेस्टाइनल कैविटी कोलोन और रेक्टम पर पड़ता है ठीक है ये हमारे पांच आसन हो गए इनको आपको क्या बोला गया है कि गत्यात्मक रूप से करना है और एक क्रम में करना है मतलब पहले ताड़ासन ही करना है फिर तीर्यक ताड़ासन कटी चक्रासन तीरक भुजंगासन और लास्ट में उदराकर्षण ठीक है तो हमने क्या देखा हमने देखा शंख प्रक्षालन है ना कि तो जब आप शंख प्रक्षालन करोगे उससे पहली आ पहले रात को शाम को शाम आपको हल्का भोजन लेना है अर्ध तरल भोजन लेना है और अभ्यास से पूर्व कोई भी आसन या शारीरिक श्रम आपको नहीं करना है अभ्यास के 45 मिनट के बाद घी के साथ मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना है और दो गिलास नमकीन गुनगुना पानी पीकर आपको गत्यात्मक रूप से पांचों आसनों का अभ्यास करना है आठ बार और जब तक आंत पूरी तरह से आपकी खाली नहीं होती अगले चक्र से पूर्व दो गिलास पानी का सेवन करते रहना है और फिर आंतरिक सफाई जब आपकी पूरी हो जाएगी आपकी आंत पूरी तरह से साफ होगी अंदर की सफाई हो जाएगी तो उसके 10 मिनट के बाद आपको कुंजल और जल नीति का अभ्यास करना है ऋतु परिवर्तन के समय इसका अभ्यास सर्वोत्तम माना गया है और वर्ष में दो बार से अधिक नहीं करना है ठीक है लिमिटेशन क्या है कि बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी होने पर भी नहीं करना है लाभ है आंत की हमारी पूरी सफाई होती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है रक्त शुद्ध होता है मधुमेह में मोटापे में ब्लड कोलेस्ट्रॉल में एलर्जी में गठिया दमा सर्दी खांसी साइनोसाइटिस चर्म रोग मुहासे में लाभकारी है और हाई लिपिड के योगोपचार के रूप में भी इसको लिया जाता है पांच जो आसन है ताड़ासन तीरक ताड़ासन कटी चक्रासन तीरक भुजंग और उदराकर्षण ताड़ासन का प्रभाव स्टमक और कोलोन पे होता है तीरक ताड़ासन का स्मॉल इंटेस्टिन और कोलोन पे कटी चक्रासन का स्मॉल इंटेस्टिन पे तीरक भुजंग आसन का इंटेस्टेनल कैविटी कोलोन और रेक्टम पर और उदराकर्षण का भी इंटेस्टेनल कैविटी कोलोन और रेक्टम पर प्रभाव पड़ता है ठीक है अगला है हमारा क्रिया में जल नीति ठीक है इस प्रकार से जल नीति का अभ्यास किया जाता है आप में से मुझे लगता है लगभग सभी ने इसका अभ्यास किया होगा विशेषता क्या है कि जो हमारा जल का तापमान है वो शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए जिस जल का आप उपयोग करोगे जल नीति में उसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए इसको भी उकड़ू आसन में बैठकर कर सकते हैं या खड़े होकर अगर करोगे तो आगे झुककर इसका अभ्यास करना है। बिल्कुल सीधे खड़े नहीं रहना है थोड़ा आगे अभ्यास कर करना है और जिस नासिका से आपके श्वास का प्रभाव अधिक हो रहा हो उस ओर से प्रारंभ करना है फिर दूसरी नासिका से करना है मतलब जहां से आपका सांस ज्यादा चल रहा है जिस वाली नासिका से आपको वहां से शुरुआत करनी है और श्वसन आपको मुंह से करना है मतलब सांस लेना छोड़ना मुंह से है नाक से नहीं लेना है ठीक है और इसका अभ्यास किया जाता है सूत्र नीति के पश्चात यानी सूत्र नीति के बाद इसका अभ्यास हमें करना होता है जल नीति का लाभ क्या-क्या है नासिका मार्ग और साइनस में जमे हुए श्लेष्मा का शोधन करता है जो हमारे नासिका के मार्ग नासिका मार्ग जो हमारा है और जो साइनस होता है वहां पे जो हमारा श्लेष्मा जम जाता है कफ जम जाता है उसको ये साफ कर देता है दमा में, निमोनिया में, में, निमोनिया एलर्जी में सर्दी में, साइनोसाइटिस में और आंख कान और गले के रोग में हे फीवर जो हमारा होता है टॉन्सिस में और म्यूकस मेम्ब्रेन इंफ्लोमेशन में बहुत ज्यादा लाभकारी है नीति अगर इनमें से कोई भी समस्या किसी को है तो जल नीति के अभ्यास से उसको आराम मिलता है ठीक है इससे शीतलता प्राप्त होती है ताजगी लगती है और यौवन की प्राप्ति होती है इसके अलावा मिर्गी में माइग्रेन में चिंता क्रोध अवसाद यानी डिप्रेशन और अलस्यों को दूर करता है मिर्गी में लाभकारी है माइग्रेन की अगर किसी को समस्या है चिंता कोई टेंशन है गुस्सा आता है डिप्रेशन है और आलस्य को दूर करता है आगे चक्र को हमारे जागृत कर देती है जल नीति ठीक है क्या देखा जल नीति में इसके जो जल का तापमान है शरीर के बराबर होना चाहिए उकड़ू आसन में बैठकर करना है या अगर खड़े होकर करना चाह रहे हैं तो आगे झुक कर करना है और जिस नासिका से श्वास का प्रवाह अधिक होता है उससे शुरुआत करनी है तो दूसरी से भी करना है श्वसन मुंह से ही होगा हमारा और सूत्र नीति के पश्चात इसका अभ्यास करना है ये क्या करता है नासिका मार्ग और साइनस में जमे हुए श्लेष्मा का शोधन करता है दमा निमोनिया ब्रोंकाइटिस एलर्जी सर्दी साइनोसाइटिस आंख कान और गले के रोगों में हे फीवर में में और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन में सहायक है इस प्रकार की अगर समस्या होती है तो अगर आप इसका अभ्यास करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा शीतलता प्रदान करता है ताजगी और यौवन प्रदान करता है मिर्गी में माइग्रेन में चिंता क्रोध अवसाद और आलस्य को दूर करता है और हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करता है ठीक है। अगली है सूत्र नीति की इसकी विशेषता क्या है कि सूत्र की मोटाई लगभग चार मिलीमीटर mm और लंबाई छत्तीस से पैंतालीस मिलीमीटर होनी चाहिए जो सूत्र हमारा जो धागा हम उपयोग में लाएंगे सूत्र नीति के लिए इसमें नंबर होते हैं कुछ तो सामान्य रूप से चार पांच और छह नंबर प्रयुक्त होते हैं सूत्र नीति के इसको भी उकड़ू आसन में करना है या खड़े होकर आगे झुक कर करना है यही सेम जो जल नीति के लिए था कि जिस नासिका से आपके श्वास का प्रभाव ज्यादा हो रहा हो उधर से प्रारंभ करके फिर दूसरी ओर से करना है इसमें भी आपको मुंह से ही सांस लेना छोड़ना है जल नीति से पूर्व इसको किया जाता है और उच्च अभ्यास में सूत्र एक नासिका से प्रवेश होकर दूसरी नासिका से बाहर निकालना है मतलब जब एडवांस लेवल की आप सूत्र नीति करोगे जो आपका उच्च स्तर का एक अभ्यास होगा उसमें हम क्या करते हैं एक नासिका से सूत्र को प्रवेश कराकर दूसरी नासिका से बाहर निकाल देते हैं है ना लाभ क्या है जल नीति में जितने भी लाभ है वो इससे मिलेंगे और उसके अलावा नासिका की हड्डी टेढ़ी या मांस बड़े होने पर लाभदायक होता है अगर किसी के नाक की हड्डी टेढ़ी है या अंदर का मांस बढ़ गया है तो उसमें सूत्र नीति बहुत ज्यादा लाभकारी मानी गई है ठीक है क्या पढ़ा सूत्र की मोटाई चार मिलीमीटर और लंबाई छत्तीस से पैंतालीस मिलीमीटर हो चार पांच छह नंबर प्रयुक्त करना है उकड़ू आसन में आगे झुक के अभ्यास करना है और जिस नासिका से श्वास का प्रवाह हो रहा है मतलब ज्यादा प्रवाह हो रहा है वहां से शुरू करना है और फिर दूसरी नासिका से करना है फिर क्या है सांस मुंह से लेना है और जल नीति से पूर्व इसको करना है जो एडवांस लेवल की सूत्र नीति होगी उसमें एक नासिका से डालकर दूसरी से बाहर निकालेंगे सूत्र को जल नीति के समान सारे लाभ इसमें मिलेंगे और क्या उसके अलावा अगर किसी के नाक की हड्डी बड़ी हुई है या टेढ़ी है या मांस बड़ा हुआ है उसमें लाभकारी है ठीक है ये हो गई हमारी जल नीति और सूत्र नीति अगला आता है हमारा कपाल भाती कपाल भाती के जो ये प्रकार है वातक्रम व्यूत क्रम, और शीत क्रम ये कौन से हट ग्रंथ में दिए गए हैं कोई बताएंगे घेरण संहिता संहिता हाँ जी बिल्कुल सही घेरण संहिता में दिए गए हैं ठीक है तो वातक्रम कपाल भाती में क्या क्या होता है हम लोग ईड़ा से पूरक करते हैं फिर पिंगला से रेचा करते हैं ठीक है उसके बाद आ, शायद एक मिनट कोई आया है आपको दो मिनट रुकना पड़ेगा दो मिनट वेट कीजिए प्लीज सॉरी uh, हमें क्लास को ना यही रोकना पड़ेगा कोई गेस्ट आ गए हैं घर पर ठीक है तो हम लोग uh, कल कंटिन्यू करेंगे इससे आगे आप लोग पढ़ के आइएगा सारे लोग ठीक है सभी को प्रणाम आप लोग लीव कर सकते हो अभी प्रणाम मैम